वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और अभी यहाँ से सब लोग कलश उठाएंगे और कलश उठा के हम लोग अपने नए घर पे जाएंगे डांस करते हुए। या आप लोग देखिए ब्लॉग, इन्जॉय करिए। और एक स्पेशल चीज़, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी जब हम लोग अपने घर में एंट्री करेंगे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ प्लान किया है मेरे भाई ने। यहाँ पर हम सभी लोग एक साथ मिल के जो कलश है वो उठाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ढूँढा जो डेकोरेट वाला कलश था वो हमारे यहाँ पर मिला ही नहीं। फिर हमने बोला चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 9 कलश उठना है और ये जो 9 कलश है ये सभी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो मिलके उठाते हैं। और जब हम लोग घर गए तो वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी प्यारी थी। बस आप लोग ब्लॉग देखिए, इन्जॉय करिए। सबसे अच्छी ये चीज़ ये लगती है अपने घर की, हमारे मतलब मायके की ना, मतलब बहुत सारी जगह मैंने देखा है ये चीज़ कि सब भी होते हैं कि आगे मैं करूँगी, लेकिन हमारे घर में ना बुआ लोग और मेरे में पता नहीं क्यों एक अलग से शुरू से अंडरस्टैंडिंग है कि पहले आप ऐसा वाला, कि मतलब हमने हर चीज़ को बारी बारी से बांटी हुई है कि पहले चीज़ बड़ी बुआ करेंगी, फिर छोटी बुआ करेंगी, फिर मैं करूँगी। तो ये चीज़ ना हमारे बहुत ईजिली हो जाती है, वरना मैंने बहुत सारे घरों में देखा है बुआ और जो भतीजी लोग होती हैं उनके बीच इस चीज़ को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि हर चीज़ में यही आगे है, मैं नहीं हूँ और इन सारी चीज़ों में। बट हमारे घर में इस चीज़ को लेकर कभी भी नहीं हुआ है। बुआ लोग को पता होता है कि कहाँ निक्की को होना है और मुझे पता होता है कि कहाँ बुआ को होना है। और यहाँ पे चंदनी तानना, मतलब ये कपड़ा होता है, इसके अंदर ही सभी लोग जाते हैं नए घर पे। जितना हमारे यहाँ बिहार में जो जो रीति रिवाज सब फॉलो किया जाता है उसी हिसाब से हम लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। और सब कुछ सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं, एकदम शादी ब्याह वाला माहौल है। तो हाँ, सच में चीज़ें वैसी होती हैं, बस चीज़ें अलग हैं। शादी ब्याह से तो छोटा ही फंक्शन है, बट हाँ एक्साइटेड है हम लोग। छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से हो, कि मेमोरी बन जाए और लाइफ टाइम सारी चीज़ें याद रहे। फिर यहाँ पे हम लोग के आंचल में मम्मी खोइंचा दे रही है, खोइंचा और फल देते हैं सबके आंचल में जितने लोग यहाँ पे होते हैं, और वो ये खोइंचा और फल लेके जाते हैं घर पे नए वाले घर में और वहाँ पे ले जाके एक जगह रखते हैं। ये है चाची जो सारा चीज़ पकड़ के रखी हुई है, और इनको तो आप सभी लोग जानते हो कि ये कौन है क्या है।
ये हमारी फैमिली में इतनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर लेती हैं, जो ये चीज़ें ये पकड़ के खड़ी हैं ये सारी चीज़ें, तो हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो ये सब करते हैं, बट चाची को खुद से रहता है कि हाँ ये भी कर लूँ ऐसे भी कर लूँ। मतलब मम्मी और चाची का जो रिश्ता है ना शुरू से वो बहुत प्यारा है, और टचवुड आज तक ये रिश्ता इतना प्यारा कायम है, और भगवान ना करे कभी किसी की नज़र लगे और इन दोनों का ये रिश्ता कभी ख़राब हो। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन आज भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह दोनों का रिश्ता टिका हुआ है। और इन्हीं सारी चीज़ों से आप, मैं बस बोलूँगी कि जो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली को देख के पता चलता है कि कौन कैसा होगा, कौन किसका क्या नेचर होगा, इसके अलावा और क्या ही बोलना, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, जब हम शादी ब्याह करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग परिवार को देखते हैं, और परिवार को देख के ही शादी ब्याह होती है। तो बस यही आप लोग सोच लीजिए, मेरे परिवार को देख के आप मेरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ख्वाबों के इस घर की खैर करे ओ रब्बा, दूर कले कलेश और बर करे ओ रब्बा, नाजों से बड़े कभी हो ना कम, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, सजन घर आना था सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था पिया मन भाए हैं, हर खुशी है जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत भयंकर वाली गर्मी, पंडित जी आ रहे हैं। क्यों घुसी मत, मना कर लिया, क्यों ना घुसी अंदर, क्यों ना जाई, मना कर लिया। जो फिर उसके बाद हम सबकी एंट्री होती है हमारे घर में, और कैसा लग रहा है आप लोग ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट का वेट करूँगी।
एंड यहाँ पे पापा को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी क्योंकि ना धूप गर्मी इतना है, आप सबकी हालत देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ है। ऊपर से नीचे से बार बार डेकोरेशन वाले कुछ ना कुछ के लिए कॉल कर रहे थे, सो वो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और अभी जो चीज़ होगी वो आप सबको बहुत प्यारी लगेगी। एंड सच बताऊँ एक माँ के लिए ये बहुत अच्छे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि उसके बच्चे को इज्जत मान सम्मान जो मिलता है, जो भी इंसान हो वो इज़्ज़त मान सम्मान देता है ना, तो अपने आप माँ का जो झुकाव होता है वो उस तरफ हो ही जाता है, ये सच होता है। तो जो धनवी को यहाँ पे इन्होंने जो एक रिस्पेक्ट दिया, जो एक मतलब वो चीज़ देख के मैं अंदर से बहुत भावुक हो गई थी। एंड सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ देख के। अभी छत पे जा रहे हैं और मम्मी की मेरी मम्मी को ना थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उनसे चला नहीं जा रहा था, तो उनके दामाद जी का हाथ पर पकड़ के चला रहे थे। बीबी विक्की कुछ काम में लगा हुआ था, मेहर से तो खुद नहीं चला जाता है, सो इसीलिए। और वो मतलब मैं एक बात बताऊँ, जैसे एक ढाल की तरह ना वो खड़े थे मेरे परिवार को संभालने के लिए, और वो चीज़ मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूँगी। इसीलिए आप कहते हो ना हमेशा कि अपनी सास से चिपकती है, अपने ससुर से ऐसे करती है वो करती है, तो मैं इसलिए चिपकती हूँ क्योंकि मेरे पति ना मेरे माँ बाप को जो मान सम्मान जो एक प्यार देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब ये मेरे माँ बाप को इतना दे रहे हैं, इतना उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी उनके माँ बाप को अपने पलकों पे रखना चाहिए, उनको अच्छे से रखना चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप इनका नहीं होता या मेरे सास ससुर का मेरे से नहीं होता है, होता है, पर मतलब फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, ज़िंदगी बहुत कम दिन की है, जितना हो सके खुशी खुशी जियो। और जितना ये मेरे परिवार को प्यार रिस्पेक्ट और मेरे हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं, वैसे ही बस मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे मैं खड़ी रहूँ। बस इस चीज़ को कोई ओवर एक्टिंग समझे, कोई कुछ समझे, उसके लिए मेरे को कोई सच बताऊँ तो नहीं होता है। बस मुझे लगता है कि मेरे परिवार खुश रहना चाहिए और मेरे भागने दौड़ने से, मेरे हंसते रहने से, मेरे कूदने फाँदने से मेरा अगर परिवार खुश है, हंस रहा है, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। रुक जा अभी, तेरे मम्मी बुला रही है, जा मम्मी बुला रही है, जा बेटा, छोटा बेबी मुझे, छोटा बेबी क्या है, चलो आप दो मिनट यहीं यहीं खड़े हो, सीधे धन भी बद धनवीर ले ले ले, वो देखो ये लगे छोटा बेबी तो बिल्कुल आराम से ख्वाबों के इस घर की खैर करे ओ रब्बा, दूर कले कलेश और बर करे ओ रब्बा, नाजो से बड़े मैंने करी है तैयारियां, दिन रात प्यार दिया नजरा उतारियां, ये मोहब्बत है इबादत कभी हो ना कम, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, सजन घर आना था सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था पिया मन भाए हैं, हर खुशी है मुझे दे दो जाने मन जाने मन।
मेरे भगवान बस मेरे परिवार को ऐसे ही खुश रखना और ज़िंदगी भर आप सब आशीर्वाद देना कि ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें ये लोग, और ऐसे घर भाई और पापा मिलके और भी बहुत सारे लें, और इसी तरीके से धूमधाम से हम लोग गृह प्रवेश कराएं। सच बताऊँ मेरा मन बहुत भारी भारी है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सब जो इतना प्यार दे रहे हैं इन सारी चीज़ों को, मेरे परिवार को इतना प्यार इतना समझ रहे हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू। और हम एक एक करके हम सब ने घर में प्रवेश किया, और अभी आगे ये ब्लॉग आप लोग यहीं, मतलब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना उसमें आप जब देखोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी, पसंद आएगी एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उस ब्लॉग को तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। फिर जो खोइचा हम लेके आए थे वो खोइचा यहाँ पे हमने रखा और हाथ जोड़ा, और उसके बाद जो कलश है वो भी हमने रखा यहाँ। मैं मम्मी से पूछ रही थी कि भगवान जी को यहाँ पे मैं सजा दूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। बाय।